अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा 12वां दिन है तुर्की के अंदर और हम इस वक्त अंकारा सिटी के अंदर हैं जो तुर्की का कैपिटल है। और इस वक्त हम जो है कमाल अतातुर्क की जो कब्र है उस तरफ जा रहे हैं और वहां जाके देखते हैं। कब्र में तो हमें इंटरेस्ट नहीं है उसकी, लेकिन यह है कि उसकी बिल्डिंग लोगों ने बताया कि बहुत शानदार बनी हुई है, तो जाके देखते हैं कि कैसी बनी हुई है। और वहाँ हम जब गए थे अभी, तो गाड़ी जब आप वहाँ लेके जाते हैं तो आपकी गाड़ी बिल्कुल खाली कर देते हैं, तो इसलिए हमने जो है फिर वो अपनी गाड़ी जो है वो बाहर पार्क कर दी है। वरना आप अगर अंदर बिल्कुल पार्किंग में गाड़ी लेके जाना चाहते हैं तो फिर आपकी गाड़ी में जितना भी सामान है वो सारा रिसेप्शन पे जमा करा देते हैं। कैमरा नहीं, ड्रोन नहीं होना चाहिए आपके पास, और गाड़ी में कोई वेपन वगैरह, कोई नाइफ वगैरह इस टाइप की, मतलब कोई भी ख़तरनाक चीज़ है वो आपकी गाड़ी में नहीं होनी चाहिए। और नॉर्मल भी जो सामान है आपकी गाड़ी में अगर कोई, तो वो उन्होंने हमसे कहा, क्योंकि जाहिर हम तो बाई रोड आए हुए हैं तो हमारे पास काफ़ी सारा सामान गाड़ी में भरा हुआ है, तो वो उन्होंने कहा कि आप अपना सारा सामान जो है वो गाड़ी से बाहर निकाल के रिसेप्शन पर रखें। तो इससे बेहतर हमने सोचा कि भाई गाड़ी को ही बाहर खड़े कर देते हैं, तो और फिर हम अंदर जो है वो पैदल जा रहे हैं हम, और अंदर जाते हैं फिर आपको दिखाते हैं जी कि अंदर कैसा है और कैसी बिल्डिंग बनी हुई है। अच्छा जी, जब आप अंदर आते हैं तो यहाँ ये जो है फुल चेकिंग होती है, चेकिंग के बाद जो है फिर आप अंदर जा सकते हैं। अच्छा, कैमरा वगैरह आप अंदर ला सकते हैं, अपना गोप्रो वगैरह है, मोबाइल है, उस पर कोई रुकावट नहीं है अंदर लाने पे। ये जी अब हम करीब आ गए हैं। असली मेन है कि नकली है? ये देखिए जी कैसे बिल्कुल ऐसे खड़ा है जैसे स्टैचू हो, लेकिन ये एक असली आदमी है। ये तो बकायदा यहाँ पूरा म्यूजियम है इनका। हम समझ रहे थे सिर्फ कब्र होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पुराने ज़माने की इनकी शिप रखी हुई है, ये मुख्तलिफ पत्थर रखे हुए हैं। अच्छा जी, ये है जी इनकी तोपें, पुराने ज़माने की तोपें हैं ये। और ये शिप की हंड रखी हुई है, ये इसकी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है सारी। देखें जी ये कैसी जगह बनाई उन्होंने, कितनी खूबसूरत, माशाल्लाह हरियाली ही हरियाली है। और ये नीचे भी अगर आप देखें तो फ्लोर कैसे जो है वो सेटिंग से बनाया है, बीच में घास है मार्बल के। ये अब हम आ गए हैं दूसरी तरफ, कहाँ से हम चले थे और अब कहाँ पहुँच गए हैं। अब यहाँ भी ये कुछ बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, में जाके देखते हैं क्या है। ये शॉप है जी यहाँ इनकी, जूम है यार, जूम आपको थोड़ी शॉप है, शॉप है मेमोरी के लिए याद रहेगी। ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं,
हिंदी को क्या कहते हैं? जेंडर। मूवी बना मूवी। ये पुराने जमाने की किताबें हैं। ये इनकी परेड का टाइम है और ये परेड कर रहे हैं इस वक्त, और इन्होंने ऊपर से सारा खाली करा दिया है और ये परेड टाइम है। ये देखिए जी, कोई ग्रुप आया हुआ है इनका, किस कंट्री से है मुझे नहीं पता। बहरहाल ये ग्रुप पिक्चर ले रहे हैं पूरी। छत देखें जी कैसी खूबसूरत बनाई हुई है। कब्र मुबारक किधर है? कब्र मुबारक, कब्र मुबारक शायद सामने है। ये है ऊपर, ये है जी इसकी कब्र अतातुर्क की। ये है जी कमाल अतातुर्क। समझ नहीं आ रही है इनके जंग की, इन्होंने वो दिखाई हुई है सारी सब जगह। तो यहाँ वीडियो बनानी अलाउ नहीं है, यहाँ कोई पुलिस वाला नहीं था तो हमने कहा वीडियो बना लें, वरना अंदर जो इनका बहुत बड़ा म्यूजियम है उसमें वीडियोस वगैरह बनाना अलाउ नहीं है। तो यहाँ हमने थोड़ी बहुत बना ली है। सारे जंगी आलात हैं, जंगी इन्होंने पूरा मंदिर दिखाया हुआ है कि किस तरीके से जंगी लड़ी जाती थी। ये देखिए जी, इन्होंने पुराने ज़माने की सारी चीज़ें लगाई हुई हैं यहाँ पर बना के।